बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और छुट्टियां आपने अच्छी तरह से इंजॉय की होंगी। नाउ वी आर बैक टू स्टडीज़, और आज हम कर रहे हैं लिस्ट डिफरेंट फीचर्स ऑफ विंडोज़ 2000। और ये पेज नंबर मैं आपको बता दूं, क्योंकि छुट्टियों में आप सब कुछ भूल भाल गए होंगे कि कहाँ से हमने पढ़ना है। पेज नंबर 174 है और चैप्टर नंबर 6 है जी। लिस्ट डिफरेंट फीचर्स ऑफ विंडोज़ 2000। विंडोज़ 2000 में या विंडो में कौन कौन से फीचर्स शामिल किए गए हैं, कौन कौन से नई खसूसियात हैं इसके अंदर। नंबर वन इज़ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विंडोज़ जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस जो है उसके अंदर हम कमांड्स दे के टाइप करके कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए कहते हैं, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है इसके अंदर ग्राफिक्स की शक्ल में यानी तस्वीरों की शक्ल में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होता है, हमने सिर्फ क्लिक करना होता है और वो काम हो जाता है। ऐसे इंटरफेस को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, जो कि विंडो हमें प्रोवाइड करता है। इट यूजेज विंडोज आइकॉन्स मेन्यूज एंड अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स टू इशू कमांड्स। कमांड्स देने के लिए डिफरेंट और आइकॉन्स और इस तरह के सारे फीचर्स हैं। द ग्राफिकल इन्वायरमेंट मेक्स इट ईजियर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, और मुख्तलिफ काम करने की क्या ईजी हो जाता है विंडोज में। इट इज़ ऑल्सो मोर स्टेबल एंड कन्वीनियंट इंटरफेस, और ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा स्टेबल है इंटरफेस। सेकेंड है जी मल्टी टास्किंग। मल्टी टास्किंग स्टूडेंट टास्क कहते हैं काम को, स्टूडेंट्स टास्क कहते हैं काम को, और मल्टी टास्किंग एक से ज़्यादा काम करने को मल्टी टास्किंग कहते हैं। तो विंडो के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि एक से ज़्यादा काम एट ए टाइम किए जा सकते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस जो है उसके अंदर एट ए टाइम एक ही काम हो सकता है। मल्टी टास्किंग की एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि जैसे अगर हम काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, हमने काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं या कोई इस तरह का कोई और काम करें, साथ साथ हम किसी से चैट भी कर सकते हैं, साथ साथ हम कोई सॉन्ग भी सुन सकते हैं, साथ में हम फाइल भी कोई डाउनलोडिंग पे लगा सकते हैं। तो इससे आपने देखा कि ये डिफरेंट टास्क हैं। एक काम है चैट करना, एक काम है फाइल डाउनलोड करना, एक काम है लिस्टिंग म्यूजिक, और एक काम है टाइपिंग। तो ये सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसको मल्टी टास्किंग कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको कि एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करने को मल्टी टास्किंग कहते हैं, और ये फीचर विंडो में शामिल किया गया था। इससे पहले जो कमांड लाइन इंटरफेस था उसमें ये फीचर शामिल नहीं था। मल्टी टास्किंग इज द कैपेबिलिटी ऑफ लोडिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिंग दैम एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में डिफरेंट प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड करना और उनको रन करने को मल्टी टास्किंग कहते हैं। विंडोज 2000 इज अ मल्टी टास्किंग सिस्टम। अ सिंगल यूजर कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, और एक ही यूजर बहुत सारे प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड यानी एट ए टाइम रन कर सकता है। द यूजर कैन एडिट अ डॉक्यूमेंट वाइल लिसनिंग म्यूजिक, और ये उसने एग्जाम्पल दिया कि एक डॉक्यूमेंट को भी आप एडिट कर रहे हैं, उस पर टाइपिंग कर रहे हैं और साथ साथ आप म्यूजिक भी सुनते जा रहे हैं। थर्ड इज द मल्टी यूजर। कमांड लाइन इंटरफेस में ये फीचर शामिल नहीं था। मल्टी यूज़र यानी एक से ज़्यादा यूज़र कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ हमें ये भी सहूलत देती है कि इसके अंदर हम डिफरेंट अकाउंट्स बना सकते हैं। आपने कंप्यूटर जब स्टार्ट किया होगा तो आपने देखा होगा अकाउंट, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर लिखा होता है, या आप अपना नाम लिख सकते हैं, इसके अलावा गेस्ट का भी हो सकता है अकाउंट। तो इस तरह से अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं ना इसके अंदर विंडो के अंदर, तो उसको मल्टी यूज़र फीचर कहते हैं। कि ये हमें एक से ज़्यादा यूज़र्स को कंप्यूटर यूज़ कर, यानी कि फॉर एग्जांपल आप घर में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और आपका भाई भी यूज़ करता है और आप भी यूज़ करते हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरी फाइल जो है ना वो अलहदा रहे, वो उसको नज़र ना आए, और उसकी वो चाहता है कि मेरी फाइल्स भी अलहदा रहे और कंप्यूटर एक है। तो आप लोग अपना डिफरेंट अकाउंट बना सकते हैं विंडो के ऊपर। आप अपने नाम से लॉग इन करेंगी और अपना पासवर्ड रखेंगी, और वो अपना नाम और अपना पासवर्ड रखेगा, और इस तरह से
मल्टी यूज़र एक ही कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं. इट मीन्स दैट मैनी यूजर्स कैन यूज़ द कंप्यूटर एट द सेम टाइम. दीज यूजर्स कैन बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर ओवर इंटरनेट. विंडोज़ 2000 इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, डिफरेंट कंप्यूटर यानी रिमोटली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप कहीं बाहर बैठे हुए हैं तो आप अपने कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो सकते हैं. मल्टी यूज़र इसको भी कहा जाता है. आगे जी मल्टी प्रोसेसिंग. मल्टी प्रोसेसिंग इज़ द कैपेबिलिटी टू सपोर्ट एंड यूटिलाइज मल्टीपल प्रोसेसर्स एट द सेम टाइम इन कंप्यूटर. अच्छा, मल्टी टास्किंग ये है. मल्टी टास्किंग में एक ही प्रोसेसर होता है. प्रोसेसर हम सीपीयू को कहते हैं. ठीक है, सीपीयू एक ही है लेकिन वो डिफरेंट काम एट ए टाइम कर रहा है. और मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है कि डिफरेंट सीपीयूज यानी एक से ज़्यादा सीपीयू यूज़ किए जाएँ कंप्यूटर के अंदर और वो डिफरेंट काम कर रहे हों. एक ही काम दोनों मिलके भी कर सकते हैं और दोनों डिफरेंट काम भी कर सकते हैं. इस तरह से कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी. प्रोसेसर ज़्यादा हो जाएंगे, सीपीयू ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी. मल्टी प्रोसेसिंग इज़ द कैपेबिलिटी टू सपोर्ट एंड यूटिलाइज मल्टीपल प्रोसेसर्स एट द सेम टाइम इन द कंप्यूटर. विंडोज़ 2000 सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग. टू और मोर प्रोसेसर्स कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम. इट इंक्रीजेज द आउटपुट ऑफ कंप्यूटर. इस तरह से कंप्यूटर की आउटपुट इंक्रीज होती है, कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है. फिफ्थ इज़ द प्लग एंड प्ले. स्टूडेंट, ये फीचर बहुत मज़े का है और ये बड़ा वो क्या कहते हैं उसको आसान बना दिया इसने डिवाइसेस को यूज़ करने में. प्लग एंड प्ले का मतलब है कि कंप्यूटर के साथ लगाओ और रन होना शुरू हो जाए. प्लग करो और वो प्ले होना शुरू हो जाए. ठीक है, इससे पहले जो था वो ये था कि हर डिवाइस कंप्यूटर के साथ इंस्टॉल करनी पड़ती थी. प्लग एंड प्ले नहीं था. प्लग एंड प्ले का मतलब है कि सिर्फ आप लगाएं और वो चलने लग जाए. आप देखिए, अपना कैमरा, आप मोबाइल आप कंप्यूटर के साथ लगाते हैं तो मोबाइल आपको वो नहीं करना पड़ता, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता. यूएसबी आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, आप बस लगाते हैं और वो चल जाती है. तो ये फीचर जो है कि सिर्फ लगाएं और वो रन होना शुरू हो जाए, इसको प्लग एंड प्ले कहते हैं. प्लग एंड प्ले इज द कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट एंड कॉन्फिगर अ डिवाइस एंड इंस्टॉल द अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर. प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि कंप्यूटर खुद से डिवाइस को डिटेक्ट करे और खुद ही उसका डिवाइस ड्राइवर जो भी उसके लिए सूटेबल हो खुद से उसे इंस्टॉल करे और प्ले कर दे यूजर के लिए. विंडोज 2000 हैज़ द फीचर ऑफ प्लग एंड प्ले. इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स. ठीक है, विंडो के अंदर ही मौजूद है डिवाइस ड्राइवर्स. और जब आप कोई हार्डवेयर इसके साथ लगाते हैं तो कंप्यूटर खुद ब खुद उसको डिटेक्ट करता है कि इसका कौन सा ड्राइवर है और वो प्ले करने लग जाता है. आपको खुद से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता. व्हेन अ न्यू हार्डवेयर डिवाइस इज अटैच टू कंप्यूटर, इट डिटेक्ट्स द डिवाइस एंड इंस्टॉल्स इट्स ड्राइवर इफ इट इज़ अवेलेबल. अगर अवेलेबल है तो वो सारे उसके खुद ही इंस्टॉल कर देता है. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कल करें. Thank you very much.